किसान को फसल देखते समय खेत में बिजली का करंट लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, साथ ही मुआवजे की मांग भी उठाई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। जानकारी के अनुसार दक्षिण टोला थाने में रामपुर चकिया गांव निवासी किसान राम वृक्ष सुबह सुबह फसलों का हाल जानने के लिए अपने खेत में पहुंचे, लेकिन खेत में पहले ही हाई वोल्टेज का तार टूटकर गिरा पड़ा था, जिसके चपेट में वे अचानक ही आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। किसान की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनन फानन में उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस घटना से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर लिए है, साथ ही किसान को मुआवजा दिए जाने की मांग करने लगे। चक्का जाम की सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर SDM और CO City पहुंचे, साथ ही समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। इस दौरान CO City राजकुमार ने बताया कि किसान का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जाम की सूचना मिलने पर उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन देकर जाम को समाप्त कर दिया गया। हमारे साथ आपने क्यों जाम लगाया? ऐसे कि सब तार जर्जर हुआ है और कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, पोल से लगाए हर चीज मतलब सब जर्जर हो चुका है। ये जाम किस लिए लगाया? इसलिए हमारे भाई साहब को लाइन मार दिया है। अभी सुबह की बात है। क्या स्थिति है उनकी? स्थिति बहुत खराब है। कहाँ है? घर पे है या हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल किस हॉस्पिटल में? प्रकाश हॉस्पिटल एडमिट है। एडमिट है। तो आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हमारी मांग यही है सर कि ये तार जो है इसको दुरुस्त किया जाए और पुल को दुरुस्त किया जाए। अच्छा, किसी अधिकारी से बात हुई अभी? नहीं सर। जो जाम लगा था ग्रामीणों का, एक रामवृक्ष जी है, उनको विद्युत का इस पर आघात हो गया है। आघात लगा था उनके खेत में, तार गिरा हुआ था, तो आक्रोशित लोग थे और बाद में जब समझाया गया।